नमस्कार, नए नेक्स्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे है और अगर बात करें लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इस समय हम जम्मू के बस स्टैंड में है जहाँ पर एक आर्टिस्ट जो है जिनका नाम सुरेश शर्मा है और इन कलेबोरेशन विद बस स्टैंड पुलिस के द्वारा एक एग्जीबिशन लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली आप देखते हैं जम्मू के बस स्टैंड में के यहाँ पर ड्राइवर कंडक्टर जो बस चलाते हैं, बाकी भी और अन्य लोग होते हैं, उन्हें ड्रग्स से दूर रखा जाए, सेफली ड्राइव करें, खुद भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे। आज एक प्रदर्शनी लगाई गई है और देखिए प्रदर्शनी लगाई गई और देखिए ड्रग्स लीड्स टू प्रीमेच्योर डेथ, ड्रग्स एंड इनविटेशन टू डेथ। इस समय देख रहे हो बस स्टैंड के SHO विकास डोगरा भी यहाँ मौजूद है, अन्य यहाँ के जो, और देखिए नशा मुक्ति को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देता है। अब देखिए यहाँ पर खुद देखिए इन प्रदर्शनियों के माध्यम से किस तरह से दर्शाया गया कि हमें नशे से दूर रखना अपने युवा पीढ़ी को। और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर हम बता रहे प्रदर्शनी में ब्रेक द हैबिट, और इससे बड़ी बात इस प्रदर्शनी में एक ऐसी प्रदर्शनी है जो LG मनोज सिन्हा जी के द्वारा बनाई गई है। अब देखिए नशा मुक्त अभियान, ये देखिए ऊपर सिग्नेचर है ये LG मनोज सिन्हा जी के, और ये 2019-2023 की बनाई हुई है और LG मनोज सिन्हा जी द्वारा बनाई गई है। वाह, LG मनोज सिन्हा ने भी बड़ी खूबसूरत ये प्रदर्शनी बनाई, यानी कि ये पेंटिंग जो बनाई हुई है। और देखिए नशा रूपी अजगर लपेट ने इस व्यक्ति की आवाज़ छीन ली है, यानी नशे से क्या क्या नुकसान होते हैं और ये साफ तौर पर इन प्रदर्शनियों के माध्यम से दर्शाया गया है। स्मोकिंग इज ए स्लो मोशन सुसाइड है, नशा यानी आत्महत्या। आप इस समय के जो दृश्य देख रहे हैं हम बस स्टैंड से बता रहे हैं, जम्मू पुलिस हमेशा अग्रेसर है इस तरह की चीज़ों को, यानी कि पोस्टर एंड पेंटिंग एग्जीबिशन है बाय आर्टिस्ट सुरेश शर्मा। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज, जॉइन हैंड्स फॉर ड्रग फ्री हैंड्स, और साथ ही हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इज इनविजिबल। बिल्कुल सही कहा, ड्रग्स किल कैन किल यू, आपको मारता है और आप देखें अंदर ही अंदर से आपको खोखला बनाता है, ड्रग किल यू। साफ तौर पर इन प्रदर्शनियों के माध्यम से एक यानी कि अवेयर किया गया है आम जनता को, आम युवाओं को, कि नशा कितना घातक है युवाओं के लिए। उसी के चलते आप देख रहे हैं यहाँ प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ के जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उन्हें भी अवगत करवाया जा रहा है, और बस स्टैंड के SHO विकास डोगरा बड़े ही अच्छा कार्य करते हैं, और सुरेश शर्मा जी इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं उन्हें भी इस तरह की प्रदर्शनियाँ लगानी चाहिए ताकि जनता को और खासकर युवा पीढ़ी को उजागर किया जा सके। चलिए सुरेश जी, समय सुरेश शर्मा जी जो जाने माने आर्टिस्ट और साथ ही हमारे विकास डोगरा जी है, आज आपने यहाँ प्रदर्शनी की और प्रदर्शनी में साफ तो आज अंतर्राष्ट्रीय अब्यूज अगेंस्ट ड्रग अब्यूज के खिलाफ है, तो यहाँ पर इन कोलैबोरेशन विद बस स्टैंड पुलिस के माध्यम से इस तरह की प्रदर्शनियाँ लगाना कितना ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि आज इंटरनेशनल ड्रग डे है तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने आज पोस्टर और पेंटिंग की एक एग्जीबिशन करी है, और यहाँ मैंने एक यूथ को और पब्लिक को मैसेज देना चाहा अपने पोस्टर के माध्यम से, क्योंकि नशा आज हमारे देश में हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे खासकर हमारे यूथ में, और यूथ को बचाना बहुत ज़रूरी है, तो उसी के लिए यहाँ मैंने एक मैसेज देना चाहा, और पुलिस का बड़ा सहयोग है हम मेरी इस एग्जीबिशन में। आपने बस स्टैंड को ही क्यों चुना? बस स्टैंड क्राउड है, यहाँ पब्लिक ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आएगा। ड्राइवर कंडक्टर भी जिस तरह बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जी, उनके लिए बिल्कुल ऐसे आगे आने वाले समय भी आप प्रदर्शन नहीं, मैं टाइम टू टाइम करता रहता हूँ, आगे भी करता रहता हूँ, मैंने स्कूल में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेस में, हर बार मैं कहीं ना कहीं इस तरह की एग्जीबिशन करता रहता हूँ। समाज को एक मैसेज देना एक आर्टिस्ट का एक कर्तव्य भी है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने आज यहाँ इंटरनेशनल ड्रग डे में एग्जीबिशन लगाई है। चलिए विकास जी हैं, बड़े काबिल ऑफिसर हैं विकास जी, इस तरह की प्रदर्शनी और हमने देखा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात करें बस स्टैंड की तो एक ड्राइवर और कंडक्टर कैसा तबका है जो गाड़ियाँ चलाते हैं, अपने साथ दूसरों की ज़िंदगी का भी उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, तो किस तरह से इन्हें अवेयर किया जाना चाहिए, इस तरह के एग्जीबिशन लगना बड़ा अनिवार्य है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आज इंटरनेशनल ड्रग डे है, तो ये बस स्टैंड में काफ़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, ड्राइवर्स लोग हैं, कंडक्टर लोग हैं, तो उनको अवेयर करने के लिए कि वो नशों से दूर रहें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, खुशहाल बनाएं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समाज में एक ये मैसेज देना चाहूँगा अपनी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से कि वो नशों से दूर रहें और एक बेहतर ज़िंदगी जिएं,
और जिससे कि हमारे देश और हमारी यूटी जम्मू एंड कश्मीर की तरक्की हो सके। जय हिंद। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि नशा जो हमारी युवा पीढ़ी को खोखला करता जा रहा है, और भी लोग यहाँ खड़े, चलिए और भी लोग इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, या युवा भी खड़े हैं पर इनसे भी जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रियाजुल अंसारी। कहाँ से? बिहार। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे काम करते हैं टाइल मारा। भैया जितना से आज ये मिशन लगी है कि नशे से दूर रहना चाहिए, हर एक को ये सलाह दी जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में कि इससे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारी होता है तरह तरह का, इससे जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर है। नशा मुक्त अभियान बहुत बेहतर अच्छा काम है, जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। भैया नशा नहीं करना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए। चलिए और भी एक सर खड़े हैं यहाँ पर, ड्राइवर वगैरह, इनसे भी जाने का प्रयास करेंगे सर से। सर, सर जी डोडा सिटी जरा इधर आइए सर। क्या नाम है आपका सर? चैन सिंह। कहाँ से है चैन सिंह सर? और जम्मू से है। आप बस चलाते हैं? जी सर। ये जो आप एग्जीबिशन लगी है यहाँ पे जो बस स्टैंड में लगाई है, इसके लिए आप क्या कहेंगे कि नशा नहीं करना चाहिए, युवाओं को, हर एक युवा पीढ़ी को दूर रहना चाहिए? ये सही बात है कि नशा हानिकारक है, ये हर इंसान को नशा नहीं करना चाहिए। खास करके अगर बात करें ड्राइवर तबका या कंडक्टर तबका, जिनकी जिंदगी आप अपनी जिंदगी का भी और दूसरों की जिंदगी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। वो तो सही बात है, ड्राइवर कंडक्टर छोड़कर हर एक इंसान ने ये नशा नहीं करना चाहिए। ये नशा देखो हानिकारक है, इससे दूर ही रहना चाहिए। चलिए ड्राइवर सर हैं चैन सिंह जी, इन्होंने भी कहा कि नशे से मुक्त होना चाहिए जम्मू कश्मीर हमारा, और नशा नहीं करना चाहिए। और इस समय प्रदर्शनी के माध्यम से आप देख रहे हैं ड्रग्स एंड डेथ, इसका एक कॉम्बिनेशन है, नहीं जो नशा करेगा वो ज़रूर उसकी मौत संभव है, यानी कि एक पॉइजन है, स्लो पॉइजन, आहिस्ता आहिस्ता अंदर की आपकी नसों को ख़त्म करेगा, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदरूनी सिस्टम को ही ख़त्म कर देगा। तो इसी के माध्यम से इस तरह की प्रदर्शनियाँ बहुत ही ज़रूरी है। आप देख रहे हैं जो SHO हैं बस स्टैंड, विकास डोगरा जी, सुरेश जी हैं, और अन्य इनके यहाँ पर जो स्टेक होल्डर हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमने आपको पूरे विजुअल बताए, आज इंटरनेशनल एंटी ड्रग्स डे है, और हम ये भी कहते हैं कि हर एक को इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर सामने आना चाहिए, क्योंकि नशा हमारी युवा पीढ़ी को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो मुहिम है एंटी ड्रग्स वार अगेंस्ट ड्रग्स, लगातार वो जारी है। आम जनता से भी निवेदन है वो भी इस मुहिम का हिस्सा बने, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ नशे से दूर रहे और नशा मुक्त हो हमारा देश, हमारा जम्मू कश्मीर। फिलहाल अभी तक जो दृश्य हमने आपको बता रहे जम्मू के बस स्टैंड के है, आपका क्या कहना आज के दिन को लेकर? ज़रूर अपनी राय और अपनी क्वेरी भी रखिएगा, ताकि आने वाले समय में आपके प्रश्न हम ऐसे लोगों से कर सकें जो समाज में एक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए ऐसे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।